सामाजिक सेवा, समाज में शिक्षा, चिकित्सा तथा कोरोना बचाव के लिए नव चेतना एवं नव जागृति पैदा करने वाले थाना प्रभारी सरजू प्रसाद गितलारे को गोविंदन में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के संपादक अखिलेश रात्रे एवं टीम के द्वारा शाल, नारियल, डायरी एवं कोरोना योद्धा सम्मान पत्र के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरपंच पति संतोष साहू, पंचगढ़, मितानिनगढ़, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे, जहां थाना प्रभारी सरजू प्रसाद गितलारे द्वारा गांव के लोगों को कोरोना महामारी के बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मैं आपको साक्षा, आप लोग क्या देंगे? सफाई देंगे। और कितने मेरी बहन हो जाएगा कि मैं जिस रास्ता में जहां भी रहूंगा मुझे खाने की तकलीफ नहीं होगा, रहने की तकलीफ नहीं होगा, प्यार की कमी नहीं होगा मुझे। और मैं छत्तीसगढ़ न्यूज है, एक्सप्रेस न्यूज है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बीच में मुझे लाए हैं। और मैं और ये छत्तीसगढ़ में जो बात रख रहे हैं वो जो ऐतिहासिक है, इस जो यूनिट के है, इस मीडिया वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, तो वास्तविक इतिहास बना रहे हैं और हमेशा बने रहे। और ये सबसे सेकंड नंबर के जो अपने छत्तीसगढ़ का जो चैनल है, ये छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज, ये वास्तविक ऐतिहासिक है। मैं इनकी सम्मान करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि इस गाँव की भी खुशहाली रहे, इस गाँव की भी मत रहे, इस गाँव की बहन लोगों को भी सदबुद्धि दे, लड़कों को दे, सबको दे, और सबका ऐसे एक परिवार बन के रहना, एक घर में जैसे रहते हैं वैसे रहना। सरपंच भाई और जितने सरपंच बाड़ी है, जितने मेरे पुराने लोग हैं, जितने मेरी बहनें हैं, जितने बेटियां हैं, मैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने मेरे ये सुने, इसके लिए मैं सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग आशीर्वाद कभी भी किसी को देख सकते हो, ये जरूर है कि वहीं जाना है। शादी व्यवहार जो है, शादी व्यवहार में 5-10 की जो अगर उन्नति हित करिए, बेटी की शादी हो रहा है, बेटा इस योनि मनुष्य योनि में एक ही बार शादी व्यवहार होता है, उसमें बाधा मत पहुँचाइए, डिस्टर्ब मत करिए। अगर उनके यहाँ किसी बेटी की शादी है तो 10 आदमी जाइए, गांव के लोग जो दहेज वगैरह जो देना है लिफाफा बन करके दे दीजिए, क्योंकि बेटी एक बार जाती है, एक बार लेती है, दूसरा बार नहीं लेती। बेटी जहाँ जाएगी वो लक्ष्मी है। आप लोग देखे होंगे कि हम पिता दोनों भाई अगर दोनों आदमी अगर लड़ा है और वही आदमी उसके ससुराल चली जाती है तो वो भूल जाती है कि मेरे पिताजी है कि मेरे चाचा है, वो जरूर कहती है बाबूजी या चाचा जी या मामा जी घर में खाना खा जाएंगे, भले उनके घर रिश्तेदार वाले बात नहीं करते गांव में, मगर वो बेटी भूल जाती है अपनी दुश्मनी को, द्वेष्टा को, वहाँ अपनी बेटी की तरह मानते हैं। इसलिए उस बेटी को इतना दिल से विदा करिए, इतना खुश होकर विदा करिए कि वो लगे इतिहास बन जाए। और बेटियों को कभी भी अपमानित करके नहीं भेजना। कई लोग मैं देखो, मेरे पास कई शिकायत आया है थानों में कि साहब उनके यहाँ शादी हो रहा है, ऐसी हो रहा है। एक बार तो बेटी की शादी हो रही है जिससे विदा कर रहे हैं, खुश खुश क्यों नहीं विदा करते हैं? वो बेटी और आएगा, इस मनुष्य में एक ही बार होगा। बेटा की शादी कर रहे हैं एक बार तो करें आप, बल्कि ये कहिए भैया आप लोग जो इसका दूरी है, नियम है जो अपना 2 फीट 4 फीट जो दूरी बना कर रहिए, मगर उसको श्रद्धा से भेजिए। बेटा भी शादी हो रहा है, बेटी भी शादी हो रहा है, उसे विध्वंस मत करिए। मेन चीज और निवेदन कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में अपराध जैसे सट्टा है जुआ, मैं चलने नहीं दे रहा हूँ। फिर भी मेरे कोई प्रतिद्वंदी है मेरे खिलाफ यही कह रहा है कि सरजू प्रसाद गितला है थानेदार यहाँ सट्टा खिला है, गांव में ये करा रहा है, गांव को आप लोग इतने लोग मिलके एक आदमी दारू बेचता हो, सट्टा बेचता हो, उसमें प्रतिबंध ला, इतने लोग हम जाएंगे उसके निवेदन करेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि वो आदमी दारू बेचे या सट्टा खेले या जो खेले, बदनाम मुझे कर रहा है, क्षेत्र पेपर में दे रहे हैं कि वो आदमी दारू फैला रहा है, सट्टा खिलवा रहा है, कितने दुख की बात है। मेरे घर है, मेरे परिवार है, मैं नर्क नहीं बनाता। इस गांव को मैं जहां भी रहा हूं, जिस जगह में रहा हूं, मैं उस जगह को स्वर्ग बनाया हूं और महकते रहा है मेरा। छत्तीसगढ़ के सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।